हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहराज किचन। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो राजस्थान की एक फेमस रेसिपी है, वो है पितोड़ की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम पितोड़ की सब्ज़ी बनाने वाले हैं, जो बेसन से बनाई जाती है और राजस्थान की बहुत ही फेमस सब्ज़ी है। एकदम पनीर के जैसी लगती है ये। तो आज चलिए मैं बनाना बताती हूँ आपको कैसे बनाते हैं इसको। ये मैंने 1 कप बेसन लिया है। और इसके अंदर मैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूँगी और 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालूँगी। और ये 1 चम्मच में जीरा डाल दूंगी साबुत। इसमें पहले मसाले डालने का एक रीज़न ये है कि बाद में हम सब्ज़ी में डालते हैं तो वो सारा मसाला पितोड़ के अंदर जा नहीं पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा मसाला हम पहले डाल दें तो उसके अंदर से उसका टेस्ट बढ़ जाएगा, मसाला उसके अंदर चला जाएगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला इसके अंदर डाल दिया। ये मैंने छाछ ली है, थोड़ी सी खट्टी लूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये थोड़ी खट्टी छाछ है। आप चाहे तो पानी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको हमेशा छाछ में बनाती हूँ क्योंकि वो खट्टे खट्टे पितोड़ जो होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसको छाछ में भिगोती हूँ। ये देखिए ऐसा बैटर बना के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैंने प्याज लिया मीडियम साइज का, अगर काटना हो तो बहुत बारीक काटना है या फिर आप ग्रेट भी कर सकते हैं। ये लीजिए, प्याज को हमने ग्रेट कर लिया है और मिर्ची है वो थोड़ी बारीक बारीक हम काट लेंगे। 1 मिर्ची ली है मैंने। आप अगर बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप 1 से ज़्यादा भी मिर्ची ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 ही मिर्ची ली है क्योंकि हमने जो बैटर बनाया है उसमें भी मिर्ची डाल दी और बाद में भी डालेंगे लाल मिर्ची, तो हरी मिर्ची इसलिए मैंने 1 ली है। मैंने पैन है वो गैस पर रख दिया और गैस ऑन कर दिया। अब जो बैटर हमने तैयार किया था वो इसके अंदर डालेंगे। और इसको हम चलाते रहेंगे और एकदम गाढ़ा कर लेंगे, जैसे हम हलवा बनाते हैं और हलवा होता है ना गाढ़ा, उसी तरीके से इसको भी बनाना है। फ्लेम को हम लो मीडियम पे रखेंगे, अगर ज़्यादा हाई करेंगे तो इसके अंदर लम्स आ जाएंगे। देखिए पहले से गाढ़ा होने लगा है, तो ऐसे ही हमें और थोड़ा सा गाढ़ा करना है। गाढ़ा होने के बाद जो गुठलियाँ पड़ रही हैं इसे हमें स्पैचुला से सही कर देंगे अभी से। तो ये गाढ़ा हो गया है, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। ये देखिए गाढ़ा हो गया है, और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, गैस हम बंद कर देंगे। ये मैंने थोड़ा घी लगा के रखा हुआ है प्लेट पे,
ये इसके अंदर हम निकाल देंगे और इसको इस तरीके से हम फैला देंगे, क्योंकि ये पीसेस कट करने हैं हमें, तो जैसे हम बर्फ़ी बनाते हैं उसी तरीके से इसको फैलाना है। अगर पीसेस पतले करने हैं तो आप इससे बड़ा बर्तन ले सकते हैं। लीजिए, हमने फैला के तैयार कर दिया। अब थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और जब ये एकदम से सेट हो जाएगा तब इसके पीसेस करेंगे हम। ये इसके अंदर जो बेसन है चिपका रह गया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के और इसको उतार लेंगे। इसको फेंकना नहीं है, तो ये हम साइड में रख देते हैं। ग्रेवी में डालेंगे तो ग्रेवी हमारी वो गाढ़ी हो जाएगी। हमने जो गाढ़ा करके बैटर डाला था इसमें, वो बिल्कुल तैयार हो गया ठंडा होके। अब इसको हम कट करेंगे। मैं तो इतने ही पीसेस करूँगी जितने हम पनीर के करते हैं, उसी तरीके से पीसेस काटूँगी इनके। आप चाहें तो बड़े भी काट सकते हैं, बर्फ़ी की शेप में काट सकते हैं। पितोड़ है राजस्थान की बहुत ही फेमस और पारंपरिक, मतलब एक ट्रेडिशनल सब्जी है जो काफ़ी सालों से लोग बनाते आ रहे हैं और इसको बहुत ही पसंद किया जाता है, क्योंकि पहले हमारी दादी नानी हैं वो भी इनको बनाती थी। पहले इतनी सब्जी तो होती नहीं थी, तो घर की औरतें वो घर से बनी हुई चीज़ों से ही कुछ ना कुछ बना लेती थी। तो जैसे पापड़ मंगोड़ी है, गट्टा है, पितोड़ है, तो वो घर पे ही तैयार कर लेती थी। तो हमने ये पीसेस तैयार कर लिए हैं, इस तरीके से ये तैयार हो जाएंगे। तो अब इसकी सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए मैंने पैन गरम रख दिया है और 1.5 चम्मच में इसमें सरसों का तेल डाल दूंगी। आप अगर रिफाइंड तेल में बनाना चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। मैं सब्जी के लिए ज़्यादातर सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जो हरी मिर्ची हमने कट की थी वो भी डाल देंगे। और ये मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी सी हम हींग डालेंगे इसमें। कड़ी पत्ते और हींग से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए ये ज़रूर डालना है। और ये जो ग्रेट की हुई प्याज है वो भी डाल देंगे अभी। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब इसके अंदर हम मसाला डालेंगे। एक चम्मच मैंने हल्दी डाली है, धनिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालेंगे हम, 1.5 चम्मच डालेंगे। और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है। एक चम्मच नमक डालेंगे। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। अब थोड़ा पानी डाल के इसको हम पका लेंगे। हम कोई भी सब्जी बनाएं, जब तक मसाला है वो तेल नहीं छोड़ने लगे तब तक मसाला पकता नहीं है, तो हमें तब तक पकाना चाहिए जब तक वो तेल छोड़ने नहीं लगे। अब देखिए धीरे धीरे वो तेल छोड़ने लगा है, तो इसका मतलब हमारा मसाला
तैयार हो रहा है। थोड़ा सा हम और पका लेंगे इसको। तो मसाले ने तेल छोड़ दिया है और अब इसके अंदर हमने जो कढ़ाई से उतार कर बेसन निकाला था वो है, और वो इसके अंदर डाल देंगे ग्रेवी में, जिससे ग्रेवी हमारी और गाढ़ी हो जाएगी। और एक बाउल भर के हम पानी और डालेंगे, क्योंकि बेसन है और बेसन है वो पानी ज़्यादा सोखता है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी ग्रेवी पतली करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही सब्ज़ी ठंडी होगी वो गाढ़ी होती जाएगी, तो बेसन में हमें थोड़ा पानी ज़्यादा डालना ही पड़ता है। अब इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद हम पितोड़ डालेंगे। तो पानी हमने जो डाला था वो गर्म हो गया। अब ये देखिए हमने पीसेज अलग करके और इनको तैयार कर लिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे। फ्लेम को हाई करके 2-3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। आप ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी रखना चाहते हैं या पतले रखना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है, तो इसमें पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा तो इसलिए डालना होता है, ये बेसन है तो बेसन की वजह से थोड़ा सा पानी वो सोख रहता है, तो ग्रेवी जैसे ही ठंडी होती है सब्ज़ी गाढ़ी हो जाती है, तो हमें एक्स्ट्रा पानी थोड़ा पहले इसीलिए डालना होता है। और अब इसके ऊपर में ये कसूरी मेथी है ये डाल देंगे, इससे भी सब्ज़ी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई, अब गैस बंद कर देते हैं। सब्ज़ी है वो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी है, तो आप भी बनाइए। और मेरी वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच जाए।